सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स टेक इट इजी। टॉपोलॉजिकल स्पेस में आज हम बात करने वाले हैं इंटीरियर सेट से रिलेटेड एक और थ्योरम के बारे में। द थ्योरम इज लेट एक्स टी बी अ टॉपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स। Then we have to show that A interior is open. एक तो आपको show करना है that A interior जो होगा वो open होगा. Second, A interior is largest open set. A interior is largest open set contained इन ए। ए इंटीरियर जो होगा वो लार्जेस्ट ओपन सेट होगा विच इज कंटेंड इन ए, इट मीन्स सबसेट ऑफ ए। सो लार्जेस्ट सबसेट होगा वो ए का। एंड द थर्ड इज ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए। और थर्ड जो पार्ट है हमें प्रूव करना है दैट ए ओपन होगा अगर ए इंटीरियर हमारा ए के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, जहां पे हमें प्रूव करना है दैट ए इंटीरियर इज ओपन। सो उसको प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे एक थ्योरम का जो हमने पढ़ी थी ओपन सेट में, दैट एवरी ओपन सेट इज अ नाइबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो हम यहां पे शो करेंगे ए इंटीरियर को ओपन शो करने के लिए हम दिखाएंगे दैट ए इंटीरियर इज अ नाइबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो उसके लिए हम ए इंटीरियर में एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लेते हैं। लेट एक्स बी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ ए इंटीरियर, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। अगर एक्स ए इंटीरियर में बिलोंग कर रहा है देन इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट जो ए होगा वो होगा नाइबरहुड ऑफ एक्स। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था गाइस, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उसको यहां पर लिंक कर रहा हूं, आप आई आइकन पे क्लिक करके उसको देख सकते हो। सो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था दैट ए इज अ नाइबरहुड ऑफ एक्स अगर एक्स होगा इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। सो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर इंप्लाइज ए इज अ नाइबरहुड ऑफ एक्स, देन देयर एग्जिस्ट अ सेट जी। तो एक सेट जी होगा जो कंटेन करेगा एक्स को, कंटेनिंग एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जी एंड जी इज अ सबसेट ऑफ ए बाय द डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड। अगर ए नेबरहुड होगा एक्स का देन देयर एग्जिस्ट अ सेट जी विच इज अ सबसेट ऑफ ए एंड विच कंटेन्स एक्स। सो एक्स बिलोंग्स टू जी एंड जी इज अ सबसेट ऑफ ए। जी हमारा होगा ओपन सेट, सिंस जी इज ओपन, जी हमारा ओपन सेट है, देन बाय द डेफिनेशन हमने जो थ्योरम अभी पढ़ी थी दैट ओपन सेट जो होगा वो हमारा होता है एवरी ओपन सेट इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। इट मींस जी भी एक ओपन सेट है, देन जी इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। जी इज ओपन, देन जी इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। जी अपने सभी पॉइंट का नेबरहुड होगा और जी सबसेट है ए का, इसका मतलब ए भी नेबरहुड होगा जी के सभी पॉइंट का। बट वी नो दैट जी इज अ सबसेट ऑफ ए, दिस इंप्लाइज दैट ए इज ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट ऑफ जी, जी के सभी पॉइंट का नेबरहुड होगा ए। अगर ए जी के सभी पॉइंट का नेबरहुड है देन ए के इंटीरियर में जी के वो सभी एलिमेंट्स आएंगे। अगर ए नेबरहुड है जी के सभी पॉइंट का, लेट एक्स बी अ आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ जी, एक्स बिलोंग्स टू जी और ए नेबरहुड है एक्स का, देन एक्स विल बी अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए और जी के सभी एलिमेंट का नेबरहुड है ए, इसलिए जी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी होंगे इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब जी के सभी एलिमेंट बिलोंग करेंगे ए इंटीरियर में।
So x belongs to G implies that x belongs to interior of A. So x belongs to G or x belongs to interior of A implies that G is a subset of A interior. क्योंकि G के सभी एलिमेंट A इंटीरियर में इंक्लूडेड हैं, इसलिए G होगा सबसेट ऑफ A इंटीरियर. देन G इज अ सबसेट ऑफ A इंटीरियर, दैट इज फॉर एवरी A इंटीरियर, फॉर एवरी X बिलोंग्स टू A इंटीरियर, फॉर एवरी X बिलोंग्स टू A इंटीरियर देयर एग्जिस्ट अ सेट G सच दैट X बिलोंग्स टू G एंड G इज अ सबसेट ऑफ A इंटीरियर. जी हमारा ए इंटीरियर का सबसेट है, तो ए इंटीरियर के किसी ना किसी सेट के लिए, किसी एलिमेंट के लिए सॉरी, देयर एग्जिस्ट जी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड जी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटीरियर. देन ए इंटीरियर इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स, दैट इज ए इंटीरियर इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट. सो वी कैन से दैट A interior is open as it is the neighborhood of each of its point. So ये थी हमारी first condition जो हमें prove करनी थी. बात करते हैं second condition की. So second condition में हमें show करना है that A interior is the largest open set contained in A. तो इसको शो करने के लिए हम ए में एक सबसेट मान लेते हैं. लेट जी बी अ सबसेट ऑफ ए, लेट जी बी अ सबसेट ऑफ ए कंटेनिंग एक्स. सो जी को हम ए का एक सबसेट मान लेते हैं विच कंटेन एक्स, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू जी एंड जी इज अ सबसेट ऑफ ए. सो जी हमने एक सबसेट मान लिया है ए का विच कंटेन्स एक्स, x belongs to g and g is a subset of a and we know that g is open. अगर g हमारा open है then a will be a neighborhood of x, that is a is a neighborhood of x. और अगर a x का neighborhood है it means x जो होगा वो a interior में belong करेगा. x will be a interior point of a by the definition of interior point. If A is an neighborhood of X, then X is a interior point of A. Then it will belong to A interior. So X belongs to A interior. So हमने यहाँ पे show किया है that X belongs to G implies X belongs to A interior. So अगर X G में belong कर रहा है और X A interior में belong कर रहा है, this implies that G is a subset of A interior. जो G होगा, वो A interior का subset होगा. सो अगर जी हमने एक सबसेट लिया था, कोई आर्बिट्रेरी सबसेट लिया था ए का, और अभी हमने शो किया है दैट जी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटीरियर, देन जी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटीरियर एंड ए इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए इंटीरियर विल बी द लार्जेस्ट सबसेट ऑफ ए या फिर लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंड इन ए, दैट इज ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट सबसेट ऑफ ए. ये थी हमारी सेकंड कंडीशन जो प्रूव करनी थी. अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की. थर्ड कंडीशन में हमें दिखाना है दैट ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए. सो इसको शो करने के लिए हम एक बार ए इंटीरियर को ए के इक्वल लेंगे और दिखाएंगे दैट ए इज ओपन, और दूसरी बार ए को ओपन लेकर के शो करेंगे दैट ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए. तो फर्स्टली हम ले रहे हैं ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए, लेट ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए. देन हमने फर्स्ट कंडीशन पढ़ी थी, फर्स्ट कंडीशन में हमने यही प्रूफ किया था दैट ए इंटीरियर इज ओपन, देन ए इंटीरियर इज ओपन इंप्लाइज दैट ए इज ओपन. सो ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए, इट मीन्स हमने फर्स्ट कंडीशन में शो किया था ए इंटीरियर इज ओपन बाय कंडीशन फर्स्ट,
If A interior is open and A is equal to A interior, then A is open. Conversely, अब हम लेकर के चलेंगे A को open. Let A is open set. Let A is open. तो अभी हमें दिखाना है A interior is equal to A. So अगर A एक open set होगा, then A is a largest open set contained in A. क्योंकि हर सेट खुद का सबसेट होता है. सो ए विल बी द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, बट वी नो दैट ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट. लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए, ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए. ये हमने शो किया था सेकेंड कंडीशन में, बाय कंडीशन सेकेंड, that A interior is the largest open subset of A. But we know that A is the largest open subset of A. So in dono conditions se, first and second, we have A is equal to A interior. So ye thi hamari teesri condition jo hame show karni thi. So guys, aaj is video mein sirf itna hi. Hum apni agli video mein interior set se related ek aur theorem ke bare mein baat karenge. सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम.